वेलकम फ्रेंड्स, आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएसबीटी डिप्लोमा का जो सेकंड सेमेस्टर का अप्लाइड मैथमेटिक्स है, उसका फोर्थ नंबर का चैप्टर न्यूमेरिकल मेथड। ठीक है, तो उसकी हम शुरुआत करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ भी इस पर अपलोड कर चुका हूँ मैं, प्रीवियस चैप्टर्स के, और आगे वाले जो चैप्टर्स है उनके भी सारे वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला जो यहाँ पर न्यूमेरिकल मेथड है, तो इसमें हम अलग अलग टाइप्स के न्यूमेरिकल मेथड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल मेथड्स क्या होती है? तो जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो हम उसके कुछ एक्स की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम, या फिर यूजिंग ग्राफिकल मेथड से तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मतलब उस इक्वेशन के क्या करते हैं हम, रूट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यही तो अभी क्या हो जाता है कि अगर कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है, तो या फिर कोई अलग टाइप का एक है कि जिसके हम फार्मूला यूज़ करके या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से रूट फाइंड नहीं कर सकते, तो उसमें हम अलग अलग टाइप की मेथड है यहाँ पर फाइंड आउट की हुई, तो उस मेथड का हम स्टडी करने वाले। तो पहली मेथड है, टोटल मिला के 6-7 मेथड है, उन सभी पर मैं वीडियो बनाऊंगा, एक भी एग्जांपल नहीं छोड़ूंगा आपके बुक का। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है आपको, ताकि आपको हर एक कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ सके आप। ठीक है, काफ़ी सिंपल मेथड है। ठीक है, चलिए देखते हैं द बाइसेक्शन मेथड। तो फर्स्ट नंबर की मेथड है बाइसेक्शन मेथड। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ ऑल द मेथड्स एंड इज बेस्ड ऑन रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो देखिए, ये सबसे सिंपल मेथड है। ठीक है, और ये रिपीटेड वैल्यूज आती है इसमें, रिपीटेडली इंटरमीडिएट वैल्यूज हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कैसे क्या करते हैं कोई चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आता जाएगा। एक दो एग्जांपल के बाद में आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करेंगे और हम इसमें बाइसेक्शन मेथड का यूज़ करने वाले हैं।
अभी x की जगह पर हम फिर b की वैल्यू जो है 2 हम यहाँ पर डालेंगे। तो ये देखिए x क्यूब है, मतलब यहाँ पर 2 क्यूब माइनस x है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2 माइनस 4। और इसको हम डायरेक्टली कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है, ठीक है, कोई स्टेप वगैरह नहीं लिखना है आपको, उससे आपका टाइम बचेगा, ठीक है। आप सिंप्लीफाई मत कीजिए, डायरेक्टली 2 क्यूब माइनस 2 माइनस 4 हम कैलकुलेटर में डालेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 2। तो 2, तो ये 2 कैसा है, 0 से बड़ा है, तो हम ग्रेटर देन 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम नीचे लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ए कैसा है, तो ये लेस देन 0 है एफ ऑफ ए की वैल्यू, एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 से छोटी है, एंड एफ ऑफ बी इस कैसा है, 0 से बड़ा है, तो ये ग्रेटर देन 0 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दे आर हैविंग, अगर उनके पास अपोजिट साइंस है, दे आर हैविंग अपोजिट साइंस, उनके पास अपोजिट साइंस है, हम देयर फॉर हम लिख सके सकते कि द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन का रूट है, इक्वेशन लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो 0 और 2 के बीच में आएगा, लाइज इन बिटवीन 0 एंड 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, और एक एग्जांपल मैं आपको उसी तरह टाइप का सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आपकी जो पूरी की पूरी कंसेप्ट है वो पूरी क्लियर हो जाएगी इस टाइप की। तो देखिए, शो दैट रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 9x-1 इक्वल टू 0। तो हमें जो गिवन है हम यहाँ पर लिख देंगे, गिवन इक्वेशन है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 9x+1 इक्वल टू 0, और ये 2 और 3 के बीच में है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इसको तो पहले इक्वल के साइड के बाद में 0 आना चाहिए, तो 0 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x+1, ठीक है। और ट्रायल वैल्यू भी दी है 2 और 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रायल वैल्यूज आर 2 एंड 3, मतलब 2 एंड 3 मतलब एक की वैल्यू, ट्रायल वैल्यूज आर ए इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3 है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, एफ ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, और ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू में यहाँ पर ये इसमें पुट करेंगे, तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू ए हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 9 इंटू 2+1। इसको हमें कैलकुलेटर में डाल देता हूँ, तो ये 2 क्यूब माइनस 9 इंटू 2 माइनस 1, तो इसका आंसर आ जाएगा -11, और ये -11 0 से छोटा है। उसी तरह से देखिए एफ ऑफ बी की वैल्यू निकालेंगे, तो बी की वैल्यू 3 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स के जगह पर 3 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 क्यूब माइनस 9 इंटू 3+1 इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए इसको हम कैलकुलेटर में डालेंगे, तो 3 क्यूब माइनस 9 इंटू 3+1 1, तो ये 0 से बड़ा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन, सॉरी, एफ ऑफ ए की वैल्यू कैसे 0 से छोटी है, तो एफ ऑफ ए इज लेस देन 0 एंड एफ ऑफ बी इज क्या है, ग्रेटर देन 0, तो ये दोनों की वैल्यू एक 0 से छोटी एक 0 से बड़ी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दे आर हैविंग अपोजिट साइंस, दोनों का साइन कैसा है, अपोजिट है, देर फॉर हम लिख सकते हैं कि द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन लाइज बिटवीन 2 एंड 3, तो रूट ऑफ गिवन इक्वेशन क्या है, 2 और 3 के बीच में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, अभी हम एग्जांपल नंबर 5 देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, शो दैट देर इज अ एग्जिस्ट रूट ऑफ इक्वेशन x²-2x-1=0 इन -1, 0। तो ये जो इक्वेशन हमें दिया है उसका रूट जो है वो -1 और 0 के बीच में हमें दिखाना है। फाइंड इट अप्रोक्सीमेटली यूजिंग बाई सेक्शन मेथड बाय परफॉर्मिंग 2 इटरेशन, हमें 2 इटरेशन यहाँ पर दिखाना है। तो इटरेशन क्या होती है, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले तो हम गिवन लिख देंगे, गिवन वैल्यू हमें दी है x²-2x
माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इसको हम फंक्शन लिख देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स माइनस वन, यहाँ आ गई हमारी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। इसमें हम ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे। इंटरवल हमें दिया हुआ है माइनस वन और जीरो, तो हम यहाँ पर लेंगे ट्रायल वैल्यूज आर। कौन कौन सी ट्रायल वैल्यू है? ए इज इक्वल टू माइनस वन और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर? ये जीरो है, तो ये बी इक्वल टू जीरो है। तो अभी हम एफ ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू ये हो जाएगा एफ ऑफ ए की वैल्यू है माइनस वन, तो ये माइनस वन इक्वल टू एक्स का स्क्वेयर है मतलब माइनस वन का स्क्वेयर माइनस टू इंटू माइनस वन माइनस वन। देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू में हमने एफ ऑफ एक्स का जो इक्वेशन है इसमें हमने पुट कर दी माइनस वन वैल्यू। तो देखिए माइनस वन का स्क्वेयर हो जाएगा वन, माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस वन प्लस टू माइनस वन, माइनस वन इज इक्वल टू टू, ए ग्रेटर देन जीरो, तो ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो आ गई। ठीक है, उसी तरह से हम अभी एफ ऑफ बी की वैल्यू निकालेंगे। एफ ऑफ बी मतलब बी की वैल्यू जीरो है, तो हम एफ ऑफ एक्स की जगह पर जीरो पुट करेंगे, ये हो जाएगा जीरो स्क्वेयर माइनस टू इंटू जीरो माइनस वन, तो ये आंसर आ जाएगा माइनस वन। ए कैसा है? लेस देन जीरो है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ ए कैसा है, तो ग्रेटर देन जीरो है, एंड एफ ऑफ बी कैसा है? एफ ऑफ बी इज इक्वल टू सॉरी एफ ऑफ बी ए है जीरो से छोटा है। ठीक है, मतलब दोनों के साइन कैसे हो गए? अपोजिट हो गए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा दे आर हैविंग अपोजिट साइंस, दोनों के साइन अपोजिट है, देयरफॉर द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है, द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल, कौन सी इंटरवल में आएगा? माइनस वन जीरो। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप, अभी हम फर्स्ट इटरेशन करेंगे, इसके बाद में ये तो पता है आपको किस तरह से करना है। पहले तो हमने कंफर्म कर लिया कि इन दोनों के बीच में इसका रूट है कि नहीं। ठीक है, अभी हम बाइसेक्शन मेथड यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बाइसेक्शन मेथड। तो इटरेशन वन हम लिखेंगे यहाँ पर इटरेशन वन। देखिए इटरेशन वन क्या है, देखिए यहाँ पर हम एक्स वन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक्स वन इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी अपॉन टू, तो ए प्लस बी मतलब ए की वैल्यू है माइनस वन, बी की वैल्यू है जीरो, तो माइनस वन प्लस जीरो इक्वल टू अपॉन टू, तो माइनस 0.5 हो जाएगा और ये 0.5 आ गया। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर ये 0.5 आ गया, तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू है वो हम एफ ऑफ एक्स में डालेंगे। तो मतलब देखिए हम क्या निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स वन निकालेंगे, तो एफ ऑफ एक्स वन मतलब एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू माइनस 0.5 इक्वल टू, तो एफ ऑफ एक्स में देखिए एक्स स्क्वेयर है मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 0.5 का स्क्वेयर माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू इंटू माइनस 0.5 माइनस वन। इस तरह से हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। अभी देखिए कैलकुलेटर में हम कैलकुलेट करेंगे, तो माइनस 0.5 का स्क्वेयर माइनस टू इन ब्रैकेट माइनस 0.5 माइनस वन, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.25। तो एफ ऑफ एक्स वन आ गया 0.25 और एक ऐसा ही जीरो से बड़ा है। ठीक है, ये जो वैल्यू है वो कैसी होगी, जीरो से बड़ी है। ठीक है, अभी देखिए एफ ऑफ एक्स वन, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ एक्स वन इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये वैल्यू जीरो से बड़ी है। और इस अभी ए और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी में से किसकी वैल्यू छोटी है जीरो से, तो देखिए एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या है, जीरो से छोटी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एफ ऑफ बी कैसा है, एफ ऑफ बी इज कैसा है,
लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो। ठीक है, एक वैल्यू हम जीरो से बड़ी लेते हैं और दूसरी वैल्यू हम ए और बी से चूज करेंगे कि कौन सी छोटी है। तो ये अफवाह, बी की वैल्यू जीरो से छोटी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दे आर हैविंग, दे आर हैविंग अपोजिट साइंस। ठीक है, दोनों की साइंस कैसे अपोजिट है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल। कौन सी इंटरवल में है, तो देखिए एक्स वन और बी के बीच में, तो एक्स वन की वैल्यू क्या है, माइनस जीरो पॉइंट फाइव कॉमा, और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू कहाँ की, हाँ ठीक है। तो देखिए बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए बी की वैल्यू हमारी जीरो है, तो जीरो -0.5 और 5 के बीच में हमारा ये इसका रूट है। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अभी देखिए हम एक हो गया इटरेशन वन, अभी इटरेशन टू साउंड करेंगे। इटरेशन टू, तो इटरेशन टू में देखिए देखिए हम यहाँ पर एक्स टू की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स टू की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सा था, अभी हमने जो इंटरवल है -0.5 और 0 इसका एडिशन करेंगे, मतलब देखिए किस किस की हम एक्स वन प्लस बी करेंगे हम यहाँ पर, तो एक्स वन प्लस बी अपॉन टू, यहाँ पर क्या किया था ए प्लस बी अपॉन टू, तो जो भी इंटरवल है उसका एडिशन करके डिवाइड बाय टू करना है। अभी यहाँ पर इंटरवल है -0.5 और 0, इसका एडिशन करके टू डिवाइड करना है, तो ये -0.5 प्लस 0 अपॉन टू, तो देखिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा -0.25। तो ये कैसी होगी, ठीक है, इस तरह से हमारा एक्स टू आ गया। ठीक है, तो एक्स टू क्या हो गया हमारा, ये सेकंड इटरेशन हो गया। ठीक है, अगर हमें अगर एक ही इटरेशन फाइंड आउट करना होता तो हम सिर्फ यहाँ पर यहाँ तक सॉल्व करते, एक्स वन की वैल्यू निकालते, हमें इटरेशन टू सॉल्व करना है इसलिए हम सिर्फ एक्स टू की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आगे कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें इटरेशन थ्री निकालना होता तो फिर हम आगे कुछ सॉल्व करते। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूँ फिर हमारा जो रूट आ गया वो -0.25 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ द रूट ऑफ द गिवन, द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इक्वेशन इज x इज इक्वल टू -0.25, तो इसका रूट क्या हो गया, -0.25, इस तरह से आ गया। ठीक है, इस तरह से हमें निकालना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 6 हम अभी हम देखेंगे। ठीक है, फाइंड द रूट ऑफ द, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, तो जो इक्वेशन दिया है वो इक्वेशन हम यहाँ पर लिख देंगे। गिवन इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, तो हम यहाँ पर एफ ऑफ एक्स को कंसिडर करेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस फाइव, ये हमारा आ गया है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब ट्रायल वैल्यू दी है, देखिए बाय सेक्शन मेथड से कैरी आउट थ्री इटरेशन, तो हमें थ्री इटरेशन तक फाइंड आउट करना है, मतलब एक्स थ्री की वैल्यू तक हमें फाइंड आउट करना है। इंटरवल है 2-3, मतलब ट्रायल वैल्यूज हमारे 2 और 3 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रायल वैल्यूज आर ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू 3। ठीक है, सारे इक्वेशन एक ही टाइप के, सिर्फ आपको समझना है कि मेथड किस तरह से वर्क करता है। एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे, एफ ऑफ ए मतलब ए की वैल्यू है 2, तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एक्स की जगह पर 2 पुट करेंगे तो ये 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 माइनस 5। तो हमें अभी कैलकुलेटर में इसका डायरेक्टली आंसर निकालेंगे, तो 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 माइनस 5, तो ये आंसर आ जाएगा -1, तो ये -1 कैसा है, 0 से छोटा है। उसी तरह से एफ ऑफ बी की वैल्यू निकालेंगे, एफ ऑफ बी मतलब बी की वैल्यू है 3, तो यहाँ पर एफ ऑफ 3 इक्वल टू, तो
तो एक्स की जगह पर 3 कर डालेंगे तो 3³ - 2 × 3 - 5। तो यहाँ पर हम निकालेंगे तो 3³ कैलकुलेटर में डालेंगे, -6 - 5 = 16। ये वैल्यू आगे 16 और ये 0 से बड़ी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एफ ऑफ ए है लेस देन 0 एंड एफ ऑफ बी कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। दे आर हैविंग अपोजिट साइन, और दोनों के साइन कैसे अपोजिट, एक प्लस एक माइनस है। दे आर हैविंग अपोजिट साइंस, ठीक है। तो देयर फॉर हम कह सकते हैं कि द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल, कौन कौन सा इंटरवल है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, 2 और 3, तो 2, 3 इस इंटरवल में लाई करता है, ठीक है। तो यहां पर लिखता हूं मैं बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड, बाइसेक्शन मेथड। तो इस बाइसेक्शन मेथड का यूज करेंगे तो हम इटरेशन 1 फाइंड आउट करेंगे। इटरेशन वन क्या होता है, देखिए x1 होता है, x1 इज इक्वल टू ये होता है a + b / 2, ठीक है। तो अभी मैं कोई फार्मूला नहीं डालता हूँ, यहाँ पर डायरेक्टली आंसर डालूंगा। अभी देखिए यहाँ पर कौन सा इंटरवल आया है, 2 और 3, तो हम क्या करेंगे 2 + 3/2 करते जाएंगे, तो ये 5/2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2.5। अभी हम एफ ऑफ x1 की वैल्यू निकालेंगे, तो एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू क्या है हमारी 2.5। तो यहाँ पर x की जगह, इस फंक्शन में हम x की जगह पर 2.5 डालेंगे, तो देखिए ये क्या है x³ है, मतलब 2.5 का क्यूब माइनस 2 × 2.5 - 5 = 2। इसका आंसर निकालेंगे तो 2.5³ - 2 (2.5 - 5), तो इसका आंसर आ गया 5.625। ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एफ ऑफ x1 की वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0 कौन सी वैल्यू है, एफ ऑफ ए या फिर एफ ऑफ बी। तो देखिए एफ ऑफ ए की वैल्यू है लेस देन 0, देखिए -1 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एफ ऑफ ए इज लेस देन 0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि दे आर हैविंग अपोजिट साइन, एक की पॉजिटिव एक की नेगेटिव साइन है, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि दे आर हैविंग अपोजिट साइंस, दे आर हैविंग अपोजिट, दोनों की साइंस अपोजिट है, देयरफॉर द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल, तो कौन सी इंटरवल में रहेगा ये, x1 की वैल्यू और a के बीच में इसका रूट रहेगा, तो x1 की वैल्यू क्या है 2.5 और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू देखिए क्या है हमारी यहाँ पर, ए की वैल्यू है 2, ए की वैल्यू 2 है और ये 2.5 है, तो ये आ जाएगा 2, 2.5, इस इंटरवल में ये वैल्यूज लाई करेगी, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट, अभी हम सॉल्व करेंगे सेकंड इटरेशन, ठीक है। यहां पर लिखता हूं मैं सेकंड इटरेशन। देखिए फिर से यहां पर जो इंटरवल आया है उसकी हम एडिशन करते जाएंगे, इसकी ए वैल्यू होगी x2, पहले इटरेशन में x1, ये 2 + 2.5, ये जो इंटरवल है उसकी एडिशन करनी है डिवाइडेड बाय 2, तो 2 + 2.5 हो जाएगा 4.5 / 2, तो 2.25 वैल्यू आ गई। अभी हम फंक्शन ऑफ x2 निकालेंगे, तो एफ ऑफ x2 मतलब देखिए यहाँ पर फंक्शन क्या है हमारा, x³ - 2x - 5, तो x³ मतलब 2.25 का क्यूब माइनस 2 × x है, तो x की जगह पर 2.25 - 5,
कैलकुलेटर में डालेंगे वैल्यूज, 2.25 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.25 माइनस 5, तो ये आंसर आ जाएगा 1.8906। पॉइंट के बाद में 4 नंबर तक ही हमें निकालना है, ठीक है। ये वैल्यू कैसे ग्रेटर देन 0 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि फंक्शन ऑफ x2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो लेस देन 0 देखिए यहाँ पर किसकी वैल्यू थी, ठीक है, इटरेशन 1 में लेस देन 0, तो लेस देन 0 देखिए एफ ऑफ ए की वैल्यू थी, और एफ ऑफ ए की वैल्यू थी, ठीक है, मतलब ए की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर देखिए, तो ए की वैल्यू क्या है हमारी, देखिए ए की वैल्यू हमारी है 2, तो ये 2 और 2.25 के बीच में इसका लगे, मतलब एफ ऑफ ए इज लेस देन 0, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दे आर हैविंग अपोजिट साइंस, दे आर हैविंग अपोजिट साइंस, दे आर हैविंग अपोजिट साइंस, तो देयर फॉर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल, इंटरवल किसके बीच में रहेगा, ए और एक्स टू के बीच में, ठीक है, तो ए की और एक्स टू की वैल्यू क्या है वो हम देखेंगे, तो ए की वैल्यू देखिए क्या है, ए की वैल्यू हमारी है 2, ए की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू हमारी है 2, ठीक है, तो ए की जगह पर हम 2 पुट करेंगे, तो 2 ए की वैल्यू 2 और ये एक्स टू की वैल्यू है हमारी, यहाँ पर देखिए एक्स टू की वैल्यू क्या निकाली थी 2.25, तो 2.25, तो इसके बीच में हमारा ये रूट रहेगा, ठीक है, ये सेकंड इटरेशन हो गया। अभी थर्ड इटरेशन फाइंड आउट करेंगे, थर्ड इटरेशन देखिए क्या है हमारा, तो यहाँ पर हम निकालेंगे थर्ड में, मतलब एक्स थ्री की वैल्यू जो इंटरवल है इसकी एडिशन होगी और डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 2.25 है, तो इसका हम अभी सॉल्यूशन निकालेंगे, तो 4.25 हो जाएगा इसकी एडिशन और डिवाइडेड बाय 2, तो 2.125, ये हमारा इटरेशन थर्ड के बाद में आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द रूट ऑफ, एक ऐसा है अप्रोक्सीमेट रूट है, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे द अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ गिवन इक्वेशन इज 2.125, ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये अप्रोक्सीमेट रूट, इस तरह से हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, सारे जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए वो भी समझ में आ गए होंगे, फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों कुछ अलग टाइप के कुछ और एग्जाम्पल से, वो एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे, उससे आपको और अच्छी तरह से पता चल जाएगा, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।